Hello everyone, this is Afrajda from eVidyarthi.in and let's continue the topics from your chapter number 5, Judiciary, from your book Civics. ठीक है, so भाई सबसे पहले topic पे आते हैं, what is the structure of a court in India, यानी कि court का structure है ना भाई, वो India में कैसा है। तो भाई बहुत ही ज्यादा साधारण सा स्ट्रक्चर है, इसे समझिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, कोर्ट्स आर एट डिफरेंट लेवल, हायर एंड लोअर। तो इसका क्या मतलब होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। आप अपनी क्लास का ही वातावरण ले लीजिए, वहां पे एक क्लास मॉनिटर जरूर रहता होगा। सो भाई उसका उपाधि भाई आपसे थोड़ी सी तो ज्यादा होती होगी, यानी कि पूरी की पूरी क्लास को कंट्रोल करना, मैम को शिकायत लगाना। सो वैसे ही भाई हायर अथॉरिटी पे भी एक कोर्ट है, उससे थोड़े से नीचे अथॉरिटी पे भी कोर्ट है, साथ ही साथ उससे सबॉर्डिनेट यानी कि नीचे की अथॉरिटी पे भी कोर्ट है, और लोअर कोर्ट्स भी हमारे इंडिया में विराजमान है भाई। देख लीजिए, यहाँ पे एक छोटी सी पिक्चर दे रखी है जिसमें आपको दिख रहा होगा सुप्रीम कोर्ट। ये है हमारे भारत का सुप्रीम कोर्ट जो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भाई हायर लेवल पे आता है और लोअर लेवल पे आता है हाई कोर्ट, एंड देन आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पेनल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट एंड ऐसे कुछ कोर्ट्स आते हैं। ठीक है, फिर क्या आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको तहसील भी बोला जाता है, तहसील कोर्ट। ठीक है, तो ये कहां पे है, ये फॉर टाउन्स के लिए होता है, लाइक हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक एक कोर्ट जरूर रहता है, जिससे हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो भी केसेस है वो उस डिस्ट्रिक्ट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है ईच स्टेट हैज अ हाई कोर्ट, यानी कि हर एक स्टेट के पास एक हाई कोर्ट जरूर होगा। मुंबई के पास अपना हाई कोर्ट है, तमिलनाडु के पास अपना हाई कोर्ट है, कोलकाता के पास अपना हाई कोर्ट है, एवरीवन एवरी स्टेट हैज देयर ओन हाई कोर्ट। ठीक है, फिर क्या आता है एट द टॉप कौन है भाई, सुप्रीम कोर्ट पहले पे है। ठीक है, फिर क्या आ जाता है, लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, मैंने आपको पहले बताया ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, साथ ही साथ दिस बाइंड ऑल कोर्ट्स टुगेदर, यानी कि भाई सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर रहेगा, उसके साथ हाई कोर्ट, पिनल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट सारे उसके साथ बाइंडेड रहते हैं भाई। समझ सकते हैं, अब राजा की तरह राज करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, और अगर इसका एक डिसीजन ये बना देता है तो वो सारे के सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, पिनल कोर्ट सब में भाई वो फॉलो जरूर करा जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है हमारा। उसके बाद आ जाता है एपिलेट सिस्टम। भाई जितना ज्यादा भारी भरकम नाम है उतना ही इजी लग रहा है। ठीक है, तो जरा इसको करते हैं, पर्सन कैन अपील टू हायर कोर्ट। ठीक है, पर्सन कोई भी व्यक्ति हायर कोर्ट में अपील कर सकता है इफ ही और शी फाइंड्स दैट द जजमेंट इज नॉट जस्ट। अब देखा होगा आपने मूवीज में बोलते हैं कि भाई हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, आप हार मत मानिए। ये सच में भाई होता है, अगर आपने मजिस्ट्रेट कोर्ट ले लीजिए या फिर हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ले लीजिए, वहां पे आपको इंसाफ नहीं मिला है, आप सही थे लेकिन जो जजमेंट जो मिली है जज से वो गलत थी, आपके मद्देनजर में वो गलत थी। ठीक है, सो आप क्या कर सकते हैं, आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर वहां से भी आपको लाइक नहीं मिलता है अच्छी तरह जस्टिस, तो आप कहां जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन एक बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट में जो एक पर्टिकुलर डिसीजन आ जाता है उसके बाद वो चेंज नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट आपका लास्ट दरवाजा है जो आप ठटका सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, ऑल कोर्ट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ऑल कोर्ट्स सारे के सारे कोर्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, और सबसे पहले सबसे ऊपर पे कौन आता है भाई, अभी बताया था, आता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सो ऐसा कुछ भाई इजी सा हमारा भारत का स्ट्रक्चर है कोर्ट्स को लेके। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।